R&S Yunani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्लाह। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से ड्राइवर कम ओनर की स्कीम अमल में आई है। 106 गाड़ियां इस मौके पर ड्राइवर्स को दिए गए। ड्राइवर्स मेहनत करके दयानतदारी से इंस्टॉलमेंट भरें और पाबंदी से कार के ओनर बने। इस मौके पर नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज, होम मिनिस्टर महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दूसरे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फोन आ रहा भैया, भैया आ रहा मोबाइल धक्का मत दो भैया, धक्का मत दो। बैगन की जो असली चाबी लगी और तुम्हारी चाबी है पापा पीछे आना तो देखो मोबाइल लेके पीछे आओ, एक लॉन्ग शॉट ले, धक्का वक्का नक्को दियो। प्रोग्राम होगा, आप सभी लोगों से डिग्नेट रखे हुए हैं। ताकि मंथली हर महीने की 5 तारीख को उनको पैसे मिलेंगे। और मेरे आज ड्राइवर भाई जो आज ओला बने, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि आप इंसान को ज़िंदगी में कभी कभी मौका मिलता है किसी भी तरीके से मदद की, मदद हमेशा नहीं मिलती, ये मदद अल्लाह की जानिब से और हमारे CM साहब की तरफ से और हमारे ईश्वर साहब मिनिस्टर साहब ने खासतौर से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। एहतियात से ज़िंदगी गुजारी है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाई है। जैसा पहले ड्राइवर थे उसी तरह अपनी ज़िंदगी में अखराजात का बोझ मत बढ़ाइए, अखराजात का बोझ कम कर दे। जैसा मेरा हुसैन साहब ने कहे कि आज एक गाड़ी है आपके पास, तो अल्लाह ताला कल 10 गाड़ी दे आपको। दुनिया का जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, वो गरीबी ज़िंदगी से आगे बढ़े, कोई करोड़ रुपये उनके माँ बाप से नहीं आए। अगर एक मौका मिलता है एहतियात से काम कीजिए, अखराजात का बोझ बहुत एहतियात से कीजिए और इंस्टॉलमेंट बराबर हर मन भरिए। आप ये समझिए कि मुझे खाना नहीं खाना है, पहले बैंक का इंस्टॉलमेंट भरना है, तो वही लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं आपसे दूसरी बात, AK खान भी अच्छी बात की है, AK खान साहब भी के बताए हैं कि लापरवाही इस तरह पहले एक लिमिट से गुजारते थे उसी तरह गुजारिए, इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो आज जो यकीनन थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए हम सब माजरा चाहते हैं और सभी भाइयों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें जिन्हें ये ड्रा के अंदर निकला है। इंशाल्लाह ताला हमारे CM साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं, मैं समझता हूँ ऐसा इंसान दुनिया में कम पैदा होते हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों के वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा काम किया है, वो हमेशा यही चाहते हैं कि इस तेलंगाना का हर आदमी खुशहाल रहे बिना मजहब और मिल्लत। ये COVID-19 की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और मैं देखा सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ उठाया COVID-19 में तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर भाई हो या टैक्सी ड्राइवर भाई हो या लारी ड्राइवर्स हो या किसी प्रोफेशन में काम करते हैं, तो बहुत से हमारे माइनॉरिटीज़
रोज का रोज काम करते हैं, रोज का रोज जिंदगी गुजारते हैं, तो कारोबार बंद होने की वजह से बहुत से माली भारी हालात से जरूर बहुत तकलीफ में है। और मैं हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब की एक सीएम साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि माइनॉरिटीज़ को भी लोन ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सेंक्शन कीजिए, क्योंकि अभी जाफर साहब ने कहा ये बात सही है, 2014 के जो एप्लीकेशन लिए गए थे 2015 में लोन दिए, काफ़ी उसके बाद गैप है। इंशाल्लाह हम सीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा बजट सेंक्शन कीजिए ताकि वो गरीब लोगों को भी कुछ लोन देते हुए उन्हें संभलने का मौका दिया जाए। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद। है जिसकी स्कीम का आगाज तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है, बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी की भी बात है, क्योंकि सबसे पहले जब ये स्कीम का आगाज हुआ पहले फेज के अंदर हमने करीब 400 चिल्लर गाड़ियां दी है, 406 के करीब वो गाड़ियां ऑलरेडी दे चुके हैं। 2020 और 21 के अंदर हमारे को जो एप्लीकेशन आए थे वो 14,351 एप्लीकेशन आए हैं, जिसमें 7,000 एप्लीकेशन को बिल्कुल जो दुरुस्त होते हैं, जो ठीक होते हैं, ऐसे 7,000 एप्लीकेशन है। उसके अलावा जो 7,000 प्लस एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं उन्हों को क्राइटेरिया में नहीं आने की तरफ से रिजेक्ट हुए हैं। मैं मिनिस्टर साहब से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ, मिनिस्टर साहब एक ज़माने से तेलंगाना जब बनने से आपने हर चीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छे स्कीम्स निकाले, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ 7,000 एप्लीकेशन में 300 लोगों को आप अगर सैंक्शन देंगे तो आप अंदाजा लगाओ 6,700 लोग क्या महसूस करेंगे। मैं चाहता हूं आपके जरिए और होम मिनिस्टर साहब के जरिए से सीएम साहब को कहिए कि तमाम चीजों के अंदर फराग दिली से जब बांटा जा रहा है तो क्या माइनॉरिटीज के अंदर भी वो चीज नहीं कर सकते क्या? ये मेरी आपसे ख्वाहिश है। और आज जो 106 गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं 300 में, रिमेनिंग गाड़ियां तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे, मगर मैं ये डिपार्टमेंट के अंदर कुछ दो तीन बातें कहना चाहता हूं। भाई आप ओन योर कार स्कीम के अंदर 60% गवर्नमेंट सब्सिडी की है, 50,000 रुपीज जो ड्राइवर कम ओनर बनना चाहता है उन्हें अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है और बैलेंस अमाउंट बैंक दे रहा है। आप सोचिए आप गाड़ी आज दे रहे हैं वो गाड़ी का इंस्टॉलमेंट 2 महीने पहले से चालू हो गया है। जब गरीब कमाएगा नहीं तो कहां से देगा, ये भी चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड कोरोना पीरियड था, हर आदमी खाने के लिए परेशान था, उसके अंदर ईएमआई भी। तो मैं आपके जरिए से सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से ख्वाहिश करना चाहता हूं, आप बैंकर से बात करिए, उनको कहिए कि इंस्टॉलमेंट अभी से स्टार्ट करिए, मगर जो 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू है अगर उसको ड्यू करेंगे तो फिर उसका इंटरेस्ट भी बैंक लेगी, ये भी आप अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं यही चीज कुछ और पॉइंट्स है, 2-4 पॉइंट्स मैं कह देता हूं, चूंकि मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद है, मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि लोन्स के अंदर 2015 और 16 से जो माइनॉरिटीज लोन्स है उसके एप्लीकेशन अभी वापस नहीं लिए गए, 2016 से कोई एप्लीकेशन नहीं लिया गया है। आप वो भी चीज एप्लीकेशन को चालू करिए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सकते, क्योंकि माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 50,000 डायरेक्ट देने का भी प्रॉमिस किया, वैसे 1,00,000-2,00,000 के भी लोन्स है वो भी है, और जो भी टीचर ट्रेनिंग्स है, कंप्यूटर कोर्सेस है, टेलरिंग सेंटर है, ब्यूटिशियन है, ये तमाम काम रुक चुके हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करना चाहता हूं ये कामों को भी आप चालू करिए। पता नहीं क्या है 2014 में टीआरएस हुकूमत आने के बाद माइनॉरिटीज के लिए बेहतरीन बेहतरीन कामों का ऐलान हो रहा था, कामा भी चल रहे थे, मगर आज ऐसा लग रहा है स्लोली स्लोली काफी काम कम हो रहे हैं। इस पे तवज्जो देने की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि 20,000 जो सिलाई मशीन होते हैं
वो 20,000 मशीन सैंक्शन है मगर डिस्ट्रीब्यूशन आज तक नहीं हुआ। स्टार्टिंग जो 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वही हुआ है। उसके साथ साथ क्योंकि मिनिस्टर साहब है, यह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम है मगर मिनिस्टर साहब को पूरा माइनॉरिटी के पावर है, तो मैं ये कहना चाहता हूं इमामों के लिए आपने जो भी ऑनरियम रखा था वो मार्च तक क्लियर कराए, अप्रैल मई जून 3 महीने का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो भी क्लियर करा देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा और 5,000 एप्लीकेशन इमाम मौजम के पेंडिंग है, वो एप्लीकेशन को भी आप सैंक्शन कर दीजिए, आपकी गवर्नमेंट का और आपकी मिनिस्ट्री में आपका भी नाम होगा। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं यही आपके जरिए से कहना चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जो हजरात को आज गाड़ी मिल रही है मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं। ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुभाना व तआला जब किसी को किसी चीज से नवाजना चाहता है दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आज आप गाड़ी के मालिक हो गए हैं, कल तक किसी को साफ बोलते थे आज आप खुद साफ बन गए हैं। तो आप आज यही सोचिए गाड़ी मिल गई बल्कि मेरे भाई ये जो कमाई होगी इसको गलत शौकों में मत उड़ाया करिए। ये जो कमाई है ये आपके बीवी बच्चों के लिए है। अगर हुकूमत 4,60,000 आपको दे रही है तो आप ये समझिए ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा जमा करिए आपकी बच्चियों के शादी में काम आएगा, ये सोचिए। और आज जिस जिसको गाड़ी मिल रही है आज पहला दिन है, अपनी फैमिली को बिठाइए, अपनी बूढ़ी माँ है या बाप है तो उनको बिठाइए, उनको चक्कर मार के बोलिए ये मेरी वालदा की दुआएं थी, आज अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम से नवाज दिया, मैं भी एक गाड़ी का मालिक बन गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्त में कैंसर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S Urani Pharmacy, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज आपकी आवाज।